हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशास किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना बड़ा, और ये बड़ा बाहर से जितना क्रिस्पी है अंदर से उतना ही सॉफ्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 कप साबूदाना, मतलब कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 कप साबूदाना। तो इस साबूदाने को मैं बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी पानी से एक दो बार। तो यहाँ पर मैंने साबूदाने को अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इस साबूदाने को थोड़ा सा पानी डालकर 5-6 घंटे के लिए सोक करने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए, 6 घंटे बाद ये साबूदाने कितने अच्छे से फूल गए हैं। तो अब मैं इस साबूदाने को साइड में रख देती हूँ और ले लेती हूँ ये पीनट्स। और इसको मैं कर लेती हूँ रोस्ट अच्छे से एकदम लो फ्लेम पर। और रोस्ट करने के बाद मैं इसे कर लूँगी ठंडा और फिर इनको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो अब मैं ले लेती हूँ ये साबूदाने, और इसमें ले लिए हैं मैंने ये आलू, बॉयल आलू। कम से कम 3-4 आलू मैंने इसमें लिए हुए हैं। और इसको भी मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ इस साबूदाने के साथ। तो इसके हमें कुछ बॉल्स बनानी है, इसलिए इसको आप मैश अच्छे से कर लीजिए। और अब इसमें मैं ले लेती हूँ ये रोस्टेड पीनट्स का पाउडर, जिसको मैंने इस तरह से, मतलब रफली इसको हमने पीसा हुआ है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं है ये। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। तो ये मैंने हरे धनिए की कुछ पत्तियाँ इसमें डाल दी हैं। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा किसा हुआ अदरक, तो यहाँ पर मैंने ये ग्रेटेड अदरक भी इसमें डाल दिया है। इसके बाद मैं इसमें डालने वाली हूँ 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ मैं। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर ये लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच के करीब। 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर ये जीरा लिया हुआ है। और अब मैं ले लेती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा लेमन जूस। और लेमन जूस डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने लेमन जूस ले लिया है, लगभग 1 पूरा लेमन मैंने इसमें लिया हुआ है। और इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ यहाँ पर। और अब मैं हाथों में थोड़ा सा लगा लेती हूँ ऑयल, जिससे कि ये हाथ से चिपके नहीं इसका डो। और थोड़ा सा डो हाथ में लेकर इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना लूँगी और इनको कर लूँगी मैं थोड़ा सा फ्लैट। तो इस तरह से ये सारे बड़े बनाकर मैं तैयार कर लूँगी। थोड़ा सा पोर्शन लूँगी हाथ में, बॉल बनाऊँगी और उसे मैं फ्लैट कर लूँगी। तो ये सारे बड़े मैंने बना लिए हैं। अब हमें करना है इसे डीप फ्राई। तो मैंने यहाँ पर रख दिया है ऑयल इसको डीप फ्राई करने के लिए। तो ऑयल हमें बहुत अच्छा गर्म करना है, बहुत तेज़ गर्म करना है, और इसको हमें लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो ये मैंने इसमें बड़े डाल दिए सारे। तो इसको हम फ्राई होने देंगे, एकदम से टच नहीं करेंगे। जैसे हमें लगे कि ऊपर आने लगे हैं तो अब मैं इसको टर्न कर दूंगी इन सभी बड़े को। तो ये देख सकते हैं आप, एक साइड से अच्छे से सिक गए हैं। और ये बड़े देखिए गोल्डन हो चुके हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छे क्रिस्प बने हैं ये बड़े। तो अब मैं इनको एक टिश्यू पेपर में निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए कितने टेस्टी, कितने क्रिस्पी बड़े बनकर हमारे रेडी हो गए हैं। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी के साथ, जो कि मैंने पहले से बना कर रखी हुई थी। और ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये अंदर से और बाहर से एकदम क्रिस्प। तो आई होप कि आपको ये साबूदाना बड़े की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। और यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।